सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम गोल कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अगर आप एफएलएक्स मोबाइल को यूज करते हैं और उससे सॉन्ग रिमिक्स या फिर कोई प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि उस सेटिंग को करने के बाद आप आसानी से किसी भी सॉन्ग को या फिर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सारा कुछ बताने वाला इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। और इस चैनल पर ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह एक वीडियो लाता है रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, ओपन कर लेते हैं एप्पल स्टोर मोबाइल को, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सो दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने एप्पल स्टोर मोबाइल के अंदर, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा सेटिंग है और उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि इसका जो है स्क्रीन साइज आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है इसका साइज़ जो कि ऑलरेडी इतना ही है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपको आइकन दिख रहा होगा बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई भी आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत छोटा छोटा। ठीक है, तो इसको इसी सेटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इसको कैसे बड़ा करना है और ये जो स्क्रीन है इसको कैसे बड़ा करना है। और अगर स्क्रीन हम बड़ा करते हैं तो यहाँ पर सारा जो सैम्पल है और जो भी यहाँ पर आइकन है वो सब बहुत ही बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, और जब अच्छी तरीके से दिखने लगेगा तो यहाँ पे अगर हम सॉन्ग का जैसे म्यूजिक बैकग्राउंड जो रिमूव करते हैं या फिर सॉन्ग का बीट मैच कराते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से जो है मैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम उस सेटिंग का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो है सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये जो आपको छतरी का आइकन दिख रहा है जो कि मेल लाइन का लोगो है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना होगा, और आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंट्रोल साइजिंग। ठीक है, तो कंट्रोल जो साइजिंग है इसी को हम सेटिंग करने वाले हैं। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 हो चुका है। ठीक है, यानी ये 90 है, तो हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, और जितना चाहे हम कर सकते हैं, जैसे 200 भी कर सकते हैं और 175 भी कर सकते हैं या फिर 150 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 125 पे क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं ये कितना बड़ा साइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल साइजिंग पे क्लिक कर लेते हैं 125 पे, और ओके पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। ठीक है, बैक आने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं फिर से एफएल स्टोर मोबाइल के अंदर, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कितना कमाल का फ्यूचर है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आइकन है यहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा दिखने लगा है, और यहाँ पे जो भी इमेज जो भी यहाँ पे जो है सैंपल वगैरह वो उसका नाम भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखने लगा है, और यहाँ पे आप आइकन देख सकते हैं बहुत ही कमाल का दिख रहा है। तो आप जितना चाहें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आइकन है यहाँ पे बहुत ही कमाल का दिख रहा है। तो इस तरह जो है इसको यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो और भी इसको बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना भी चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं, जूम और जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन। तो इस तरह को सेटिंग करने के बाद आप आसानी से जो है सॉन्ग को रिमिक्स कर पाएंगे, क्योंकि जितना हमारा स्क्रीन बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा दिखेगा और उतना ही हमको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आओ, पसंद आओ तो लाइक करें, और इस चैनल पर ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।